आ जाएंगे अब। अरे बैठी, आप ऑटो चलाते हो? हाँ तो मैं चलाती हूँ, इसमें बुराई क्या है? नहीं इसमें बुराई नहीं है कुछ। क्यों, लड़कियाँ नहीं चला सकती ऑटो? नहीं लड़कियाँ चला सकती हैं, लेकिन ऐसे साड़ी पहन के थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। अच्छा है ना। क्या आपका? अमित जी कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, आप कहाँ से हैं? मैं तो लखनऊ से हूँ। फेस नहीं करना पड़ता ऐसे आप ऑटो चलाते हो तो? शुरुआत में तो बहुत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ऑटो का सपोर्ट मिला। एक बिहारी सौ पे भारी। कोई और जॉब क्यों नहीं कर लेती हैं? मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो यही ऑप्शन है। पेशेंट के डेथ के बाद घर कौन संभालता है? तो मुझे कुछ और दिखा नहीं, इसलिए ऑटो ही चला लिया। तो और भी तो जॉब कर सकती थी ना? भैया बताया तो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी। कितना पढ़ी लिखी हैं आप? मैं सातवीं पास हूँ। कितना कमा लेती हैं दिन भर में आप? 900 से 1000 कमा लेती हूँ। वैसे आपको जाना कहाँ है वो तो बताइए। आप ऑटो चलाती हैं? हाँ जी मैं ऑटो चलाती हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई है, मैं आपके गट्स को दाद देता हूँ। और क्या करती भैया, हस्बैंड की डेथ हो गई, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई काम देता नहीं मुझे, तो इसलिए ऑटो चलाया। आपका खुद का ऑटो या रेंट? रेंट का है। तो रेंट काट के 800-900 कमाते हो कि सब मिला के? कुछ मतलब रेंट बाकी सब देने के बाद मतलब वही 800-900 हो जाते हैं। इंडिया गेट का कितना लेते हो आप? मीटर से चल लीजिए, जितना होगा आप दे देना। खाना कहाँ से? पड़ोस में एक दीदी है, उनके हस्बैंड से। आपको तो बहुत सारे काम मिल सकते हैं थे, आपने क्यों नहीं किया? लोग मतलब स्टार्टिंग में लोग बोलते नहीं थे कि तुम ऑटो चलाती हो, ये करती हो? हाँ बहुत लोग बोलते थे, बैठते भी नहीं थे, भरोसा नहीं था, लड़की है सही चलाएगी कि नहीं चलाएगी। मैं ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती थी, रात में ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि लड़की भी हो और लड़कों को लेके जाना, बहुत अलग अलग विचार के लोग होते हैं। तो कभी डर नहीं लगा आपको? लगता था मगर भगवान का नाम लेके चल दिया। हूँ क्या बोलूँ आपसे, लड़की हूँ, एक बार हुआ भी था, कुछ लोग दारू पी के चढ़ गए मेरे ऑटो में। करीबन 11-12 के आसपास टाइम हो रहा था और उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, मारा उनको बहुत ज़्यादा। फिर मैंने पीट दिया, लगा दिया, थाने में भी कंप्लेन किया, घसीट के ले गए पुलिस वाले, वहाँ भी बोला मैं मारना चाहती हूँ, उन्होंने बोला नहीं नहीं बाकी का हम देख लेंगे, आप जाओ ऑटो चलाओ। ऑटो चलाते हो, डरते नहीं हो कभी? माता रानी का नाम लेके चला देती हूँ ऑटो बस। हाँ लेकिन एक डंडा रखती हूँ अपने साथ जरूर, अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो मुझे डंडे को चला दिया। खबरी टाइप के लोग की? हाँ सोच रहे हो कराटे सीख लो, काम आएगा। खान की कृपा से एक लड़का है, जो ही कर रही हूँ बस उसके लिए कर रही हूँ, उसके लिए जीना है, उसके लिए मरना है, और जो बनाना है उसको ही बनाना है। बीएससी बोर्ड में पढ़ाती हूँ, सरकारी में भी नहीं, कि उसके सपने बस पूरे हो जिससे मेरे सपने पूरे हो। आपको एक ऑटो मिल जाए तो क्या डेवलपमेंट कर सकती हैं उससे आप, मतलब क्या प्रगति कर सकती हैं आप? क्या मजाक करें, देगा कौन? वो छोड़िए देगा कौन, लेकिन अगर मान लीजिए मिल जाए तो क्या होगा? तब तो मैं पूरे दिन पूरी रात चलाऊंगी, ये रेंट वाला चक्कर जो है ख़त्म हो जाएगा और मेरे पैसे भी पूरे आएंगे। और मैं चाहूंगी कि उस ऑटो से और एक ऑटो हो, और एक ऑटो हो, और कोशिश करूंगी से 2-3 ऑटो और खरीद लूँ। तो आप बिजनेस माइंडेड? तो नहीं पता, आपको इस बिजनेस को बढ़ाना है? हाँ, ऑटो के भी देने पड़ते हैं, वो भी बच जाएंगे मेरे। चले हम आपको ऑटो दिलवा देते हैं। आप क्यों दिलाओगे मुझे? कितने का आता है ऑटो? 6 लाख। ऐसा करते हैं हम 4 लाख रुपए आपको दे देते हैं, 2 लाख की EMI करवा देते हैं, आप भर लेंगी? अब रो क्यों रही हैं आप? मैं तुम्हारे हिम्मत और तुम्हारे जज्बात को सलाम करता हूँ, तुम एक लड़की होकर कितना मेहनत कर रही हो। कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मैं आपको 4 लाख रुपए दूंगा, डोंट वरी। यहाँ पर देखो कैमरा लगा है, ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पूछिए एक लड़की होकर के ये ऑटो चलाती हैं, माल का जज्बा है आपका। इस वीडियो को आपको हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाना है। आप बहुत मेहनती इंसान हो यार, आप डिजर्व करते हो, लेकिन 2 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। EMI दे लेंगी ना आप?